आज जिस विषय पर मैं आपको बताऊंगा वो है मेकिंग लाइट वर्क फ्रॉम फोटोन टू फोटोनिक्स। तो पहले तो मैं आपको इस शीर्षक का अर्थ बता दूं। मेकिंग लाइट वर्क का मतलब प्रकाश से कैसे कार्य किया जा सकता है, प्रकाश से केवल और फोटोन से फोटोनिक्स तक। फोटोन एक कण है प्रकाश का मान सकते हैं, राइट। और फोटोनिक्स जो है वो एक ऐसा विषय है जिसमें प्रकाश से और फोटोन से यदि कोई कार्य किया जाए तो उसको फोटोनिक्स कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे ही फोटोन से फोटोनिक्स एक बहुत ही दिलचस्प शोध का विषय है और इसमें एक क्रांति आई हुई है विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में। तो मैं आपको अब अगले 40 मिनट में संक्षिप्त में इतिहास से लेकर आज क्या हो रहा है, नए नए शोध कार्य क्या हो रहे हैं, वहां तक लाने का प्रयास करूंगा। तो ये देखो, पहले तो हम ये देखें कि प्रकाश होता क्या है, व्हाट इज लाइट, फिर व्हाट इज अ फोटोन, फिर लेजर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है जो कि 1960 के अंदर दिखाई गई और ये एक स्पेशल सोर्स है, स्रोत है प्रकाश का। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और फिर इस सब से कैसे फोटोनिक्स का उद्भव हुआ और कैसे हम प्रकाश से कार्य कर सकते हैं, कितने कितने विभिन्न प्रकार के इसके एप्लीकेशंस हैं और फिर फाइनली कंक्लूजन डिस्कस करेंगे। तो देखो, प्रकृति के अंदर जो मूल आधार है वो तो ऊर्जा माना जाता है। ऊर्जा, ऊर्जा रूपांतर का रूपांतर हो जाता है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती। तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है जिसे हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी फंडामेंटल रोल प्ले करती है हमारी सृष्टि के अंदर और मनुष्य का ये प्रयास है कि हम सृष्टि को समझने का की कोशिश करें, उसका रहस्य सत्य क्या है। तो अगर कोई पूछे कि विज्ञान का क्या उद्देश्य है, व्हाट इज द एम ऑफ साइंस, तो हम कहेंगे ट्रुथ, टू फाइंड ट्रुथ, सत्य की प्राप्ति करना। तो सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है, जो हमको दिखता है, जो हम महसूस करते हैं अपने ज्ञान इंद्रियों से, क्या वही वास्तविकता है या कुछ और। ऐसा तो नहीं कि जो हम हमारे जो सेंसेस हैं वो भी क्या कहते हैं उनमें त्रुटियां आ सकती हों और हमें दिखता कुछ हो, होता कुछ हो। तो बहुत ही गहरे विषय हैं, गहरे प्रश्न हैं जिनका हम उत्तर विज्ञान द्वारा, तुलनात्मक अध्ययन द्वारा करना चाहते हैं। तो एनर्जी जो है वो फंडामेंटल रोल प्ले करती है और अगर आप ऊर्जा को देखें तो ऊर्जा दो प्रकार से पाई जाती है, दो रूपों में, स्वरूपों में। एक तो है पदार्थ, तो अलग अलग तरह के पदार्थ हैं, जैविक पदार्थ भी हैं और क्या कहते हैं निर्जीव भी हैं। दूसरा रेडिएशन, जैसे प्रकाश, तो इसमें पदार्थ नहीं होता, राइट। ये समय इस कमरे में बहुत सारा प्रकाश है, कुछ सूर्य से आ रहा है और कुछ ये मनुष्य द्वारा बनाई हुए यंत्रों द्वारा आ रहा है, ट्यूबलाइट बल्ब द्वारा आ रहा है। तो क्वेश्चन ये है, एक तो प्रकाश का रूप है और एक पदार्थ का रूप है। और आइंस्टाइन ने ये बताया कि पदार्थ को अगर नष्ट कर दो तो ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। तो पदार्थ जो है उसमें ऊर्जा है, E=mc², बहुत ही फेमस इक्वेशन है आइंस्टाइन की। तो क्वेश्चन ये है कि यदि हमको पदार्थ को समझना हो, किसी भी पदार्थ को, तो हमारे पास क्या उपाय है। हमारे पास एक ही उपाय है कि हम अलग अलग पदार्थों को अलग अलग प्रकाश के सामने लाएं और देखें कि उनका आपस में क्या इंटरेक्शन होता है। तो मैटर रेडिएशन इंटरेक्शन जो है वो बहुत ही महत्व रोल प्ले करता है विज्ञान के अंदर, समझे। ऐसे ही अगर हम ये पता करना चाहें कि इस कमरे के अंदर माइक्रोवेव है कि नहीं, विद्युत चुंबकीय तरंगे सूक्ष्म हैं कि नहीं, तो हमें अलग अलग पदार्थ यहाँ पे रखने पड़ेंगे और फिर देखना पड़ेगा कि किस पदार्थ पर उनका प्रभाव पड़ता है। तो मैटर और रेडिएशन दो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखें, विद्युत चुंबकीय तरंगे देखें या रेडिएशन देखें, तो हम देखते हैं कि रेडिएशन बहुत विस्तृत तरीके का सृष्टि में पाया जाता है। जैसे कि रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स जो ट्रांजिस्टर रेडियो से निकलती हैं या जिनसे हम ऑडियो सुनते हैं,
ये भी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। माइक्रोवेव, इंफ्रारेड तरंगें, विजिबल जो हमारी आंख देख सकती है, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे और गामा रे। तो ये रेंजेस हैं डिफरेंट डिफरेंट आवृत्तियों की, तरंग दैर्ध्यों की। तो इनमें क्या संयोजित है, तो अगर हम ये देखना चाहें तो हमें दिखाई देता है कि आवृत्ति कंपन से जुड़ी हुई है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपन होता है, ऑसिलेशंस होती हैं। तो ये जो लाइट है इसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर है और वो कंपन करता है और बहुत तेज कंपन करता है। तो तेजी या कंपन की आवृत्ति हम जानते हैं कि हर्ट्ज के अंदर नापी जाती है। तो रेडियो जो फ्रीक्वेंसीज हैं, आवृत्तियां हैं, ये किलो हर्ट्ज की रेंज में होती हैं। फिर माइक्रोवेव्स आती हैं, वो थोड़ा सा और ज्यादा मेगा हर्ट्ज की रेंज में। फिर ये विजिबल लाइट आ जाती है, ये देखो 10^12 से 15, 15 से 16 विजिबल लाइट, जो कि ये 7 रंगों की होती है। उसके बाद अल्ट्रावायलेट तरंगें आती हैं। अल्ट्रावायलेट बहुत शक्तिशाली होती हैं और हानिकारक होती हैं मनुष्य शरीर के लिए, और ओजोन की परत जो वायुमंडल में है वो उनको रोकती है सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलती है। इनफैक्ट लोग कहते हैं कि जो CFL लैंप्स हैं इनके अंदर से भी कुछ मात्रा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की निकलती है, तो आंखों पे सीधी नहीं पड़नी चाहिए, अच्छी क्वालिटी का खरीदना चाहिए। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के अंदर ऊर्जा शक्ति ज्यादा है। फिर एक्सरेज आती हैं। एक्सरेज तो आप जानते हो कि वो अलग अलग पदार्थों में से निकल जाती हैं, हड्डियां रोकती हैं एक्सरेज को, तभी एक्सरे से आप फ्रैक्चर या बोन स्ट्रक्चर शरीर का देख सकते हैं। उसके बाद आती है गामा तरंगें। गामा तरंगें तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती हैं, ये तो रस्ते में कोई भी चीज आए तो उसको भंग कर सकती हैं, अणुओं को तोड़ सकती हैं। तो सूर्य से निकलती हैं गामा रेज, कॉस्मिक रेडिएशन, और वो जब पृथ्वी के ऊपरी परत से टकराती हैं कॉस्मिक रेडिएशन, तो आयनाइज कर देती हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को तोड़ देती हैं, जितने भी वो मॉलिक्यूल जो आउटर मोस्ट क्या कहते हैं लेयर में होते हैं, इसलिए उसको आयनोस्फीयर बोलते हैं। तो ये तो बहुत शक्तिशाली है गामा रेज। क्वेश्चन ये है कि रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज, अगर हम इस दिशा में चलें तो ऊर्जा बढ़ती चली जाती है और आवृत्ति भी बढ़ती चली जाती है। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है, ये देखो ये आवृत्ति ये लंबी है, तरंग दैर्ध्य इसका लंबा है, मतलब एक चक्कर पूरा करना कंपन का कितनी दूरी तय कर लेती है एक तरंग। तो एक तरंग रेडियो वेव की तो किलोमीटर तक चली जाती है लगभग, और फिर ये बहुत फास्ट हो गई है, देखो फास्ट हो गई एकदम से। तो यहाँ पे कुछ चित्र बने हुए हैं, बिल्डिंग्स, लोग, हाँ, चींटी, ये सुई की आंख, प्रोटोजोआ, वायरस, प्रोटीन्स, एटम्स, एटॉमिक न्यूक्लियाई। तो ये दर्शाता है कि अगर आपको सूक्ष्म चीजें देखनी है तो आपको कम हाई फ्रिक्वेंसी या कम वेवलेंथ की तरंगे यूज करनी पड़ेंगी। लोगों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स बना रखी हैं जिससे कि बहुत सूक्ष्म देख सकते हो आप, नैनोमीटर डायमेंशन। तो क्वेश्चन ये है कि आवृत्ति बढ़ेगी तो ऊर्जा बढ़ेगी, और आवृत्ति अगर ज्यादा होगी तो सूचनाएं ज्यादा भेज सकते हैं हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो अगर मुझे सूचना भेजनी है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं चिट्ठी लिखूं किसी आदमी को दूं और वो लेके डाकखाने में, डाकखाने से जाएगा, फिर कहीं और पहुंचेगी, फिर डाकी आपके घर आके आपको वो सूचना मिलेगी। दूसरा ये है कि अगर मैं पदार्थ यूज करूं, पहला तो ये है। दूसरा ये है कि यदि मैं प्रकाश यूज करूं तो बहुत फास्ट जाएगा, प्रकाश से तेज कोई चीज नहीं चलती क्योंकि वो तो बहुत सूक्ष्म होता है, पदार्थ होता ही नहीं उसके अंदर, मात्रा मास नहीं होता। तो बेसिकली प्रकाश को यूज करके लोग बहुत पहले से सूचनाएं दिया करते थे, आग जलाकर अगर कहीं पे कोई खतरा है, या लाइट जलाकर, लाइट हाउसेस होते हैं जो पानी के जहाजों को गाइड करते हैं, या हवाई जहाज में भी लाइट से आप सिग्नल कर सकते हो। लेकिन लोगों ने ये देखा कि यदि हम ज्यादा आवृत्ति की तरंगें इस्तेमाल करेंगे संचारण में तो हम ज्यादा मात्रा में सूचनाएं भेज सकते हैं। तो आप जानते हो रेडियो तरंगों के लिए रेडियो ट्रांसमिटर का आविष्कार किया गया, तो किलो हर्ट्ज की तरंगें आप संचारण के लिए यूज कर सके। तो उसमें आप सिर्फ आवाज भेज सकते हो। उसके बाद लोगों ने सोचा कि चित्र भी भेज सके, वीडियो भी जा सके, तो उन्होंने इस रेंज में
खोज की माइक्रोवेव रेंज में या अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जो टेलीविजन वेव, टेलीविजन में आप चित्र भी देख सकते हो और आवाज भी सुन सकते हो, लेकिन लोगों ने फिर माइक्रोवेव कम्युनिकेशन लिंक्स बनाए उपग्रह ऊपर छोड़कर, तो आप डायरेक्ट टेलीकास्ट देख सकते हो, सीधा संचारण कर सकते हो, आप बहुत सारी चैनल एक साथ देख सकते हो, तो मात्रा सूचनाओं की बढ़ती चली गई। फिर लोगों ने सोचा कि यदि हम प्रकाश का कोई स्रोत बना लें शक्तिशाली जो बहुत दूर तक जा सके प्रकाश, तो हम प्रकाश से संचारण कर पाएंगे, और यही कारण है कि लोगों ने धीरे धीरे लेजर का आविष्कार किया। और ये जो फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन है या इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोनी है, ये सारी क्रांति इस वजह से ही आई है, लेजर मेजर की वजह से आई है। और अगर हम और आगे जाएं, कोई बोल सकता है कि अगर आप ये वाली तरंगें इस्तेमाल करें तो और ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल सही, लेकिन अल्ट्रावायलेट एक्सरे गामा रेज बहुत हानिकारक होती है, इनको संभालना बहुत मुश्किल है, समझे, तो हम इनको अवॉइड करके इस रेंज को अगर कर लें एक्सप्लॉइट, तो वो भी बहुत बड़ी शक्ति हासिल होगी। और इतनी इसके अंदर का कैपेबिलिटी है, क्षमता है, कि अभी भी हमने इसकी पूर्ण क्षमता को यूज नहीं किया है। तो अगर विज्ञान का इतिहास देखा जाए या मनुष्य जाति ने धीरे धीरे सृष्टि को समझने का जब प्रयास किया तो क्या प्रगति हुई, तो हम मोटे मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि एक प्रश्न, व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है, इसका क्या स्वरूप है, इसी का उत्तर निकालने में बहुत बड़े बड़े योगदान लोगों ने दिए। तो फ्रॉम टाइम इमेमोरियल मैन हैज बीन इंट्रिग्ड बाय लाइट, तो हमारी बहुत पांच सेंसेस हैं, लेकिन देखने का जो सेंस है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि ये हमको खुशी देता है, अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, समझे। लोग, कभी आपने सोचा कि चींटियां हैं, मछलियां हैं, जानवर हैं, क्या उनको भी एक जैसे वैसे ही सृष्टि दिखाई देती है जैसी हमको दिखती है या नहीं। अलग अलग प्राणियों को अलग अलग तरह से दिखाई देता है, कुछ की सुनने की क्षमता बहुत अधिक विकासशील होती है, देखने की क्षमता भी, पानी के नीचे गहराइयों पर मछलियां तैरती हैं और खाना खाती हैं, तो उनकी आंख का रेटिना कितना सेंसिटिव होगा, समझे, ऑक्टोपस का फॉर एग्जांपल। तो क्वेश्चन ये है, प्रकाश जो है हमेशा से एक प्रश्न रहा है लोग जानने का, कि ये प्रकाश का रूप क्या है, स्वरूप क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो देखें कि प्रकाश की क्या क्या विशेषताएं हम लोगों ने आज तक समझी है। तो ये सबसे तेज चलता है, 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये 10^8 है मीटर प्रति सेकंड, 1000 से भाग कर दें तो किलोमीटर में आ जाएगा, तो 300,000 किलोमीटर एक सेकंड में प्रकाश चलता है। पृथ्वी की त्रिज्या 64,000 किलोमीटर है, 64,000, और सर्कमफ्रेंस अगर देखें पृथ्वी का तो परिधि जो है वो होगी 2πr, तो 2πr होता है 3.14 के करीब, तो 3×6 जो 6 से गुणा कर दें 64 को, तो 140,000 के करीब आएगा, 38-39, राइट। तो ये तो 300,000 किलोमीटर एक सेकंड में चलता है प्रकाश, इससे तेज कोई चीज सृष्टि में नहीं चलती। इसमें पदार्थ की मात्रा नहीं है, बहुत सूक्ष्म है, तो इसमें मास नहीं है, चार्ज नहीं है, जैसे इलेक्ट्रॉन के अंदर तो चार्ज है, आप अगर भंडार रखें पॉजिटिव प्रोटॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स का, और एक इलेक्ट्रॉन बीच में हो तो वो तो भागेगा प्रोटॉन्स की तरफ, चार्ज नहीं है। पोजीशन नापना बड़ा मुश्किल है, अब ये प्रकाश हमको महसूस तो हो रहा है कि इसके अंदर उजाला है इस कमरे के अंदर, लेकिन है कहाँ प्रकाश इस समय, इतनी तेज चलता है कि आप बता ही नहीं सकते कि इसकी पोजीशन यहाँ है, वहां है, कहाँ है। टाइम बहुत, अगर आप आइंस्टाइन ने बहुत आगे जाकर पिछली शताब्दी में ये अध्ययन करके बताया कि टाइम जो है अगर आप प्रकाश की गति से चलेंगे तो घड़ियां रुक जाएंगी, क्लॉक स्टॉप एट स्पीड ऑफ लाइट, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है, नो रेस्ट। तो देखो, अगर मेरे पास गेंद हो और मैं यहाँ खड़े होकर फेंकूं और उसका वेग नापूं तो मैं बता सकता हूँ कि कितनी गति है उसके अंदर। अगर मैं चलती ट्रेन के अंदर, ट्रेन भी चल रही है और मेरे पास वही गेंद है, अब मैं वही उतनी ही शक्ति से अगर फेंकूं तो वेग ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ट्रेन भी तो चल रही है साथ साथ, ट्रेन की गति प्लस मेरी शक्ति दोनों उस पर कार्य करेंगे जो बॉल फेंकी जाएगी। तो
तो क्वेश्चन ये है कि अगर प्रकाश ऐसे ही मैंने स्विच ऑन किया ये लाइट और ये लाइट वहां पहुंच गई बहुत फास्ट, अगर मैं चलती ट्रेन या रॉकेट या हवाई जहाज में भी ये कार्य करूं तो क्या इसकी गति में प्रभाव पड़ेगा? आंसर है नहीं, गति हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है। तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस, ये वैक्यूम निर्वात के अंदर से भी पास कर जाती है प्रकाश, एनर्जी मोमेंटम है, हाई फ्रीक्वेंसी है, और अगर गुरुत्वाकर्षण कहीं पे हो बहुत ज्यादा तो प्रकाश बेंड कर जाता है। तो अगर हमें लगता है कि तारा यहाँ है, उपग्रह से अगर देखो तो पता लगता कहीं और है, क्योंकि रास्ते में बहुत मैसिव अगर बॉडीज हैं, स्टार्स हैं, तारे हैं, तो प्रकाश की का डायरेक्शन पाथ बेंड कर सकते हैं। ये बहुत सारे ऑप्टिकल फिनोमिना हैं जो हम लोगों ने, वैज्ञानिकों ने सदियों से स्टडी किए हैं। आप जानते हो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, समझे, इंटरफेरेंस। तो अगर दो एक ही तरीके का प्रकाश अगर हो, कोहेरेंट सोर्सेज हो, आप आगे चल के पढ़ेंगे ये, तो अगर दो छेदों में से ये प्रकाश अगर बाहर निकले तो ये बेंड हो जाता है। बेंड होने से ये तरंगे एक के ऊपर एक हो जाती हैं और आप एक जेब्रा के ऊपर जैसे लाल और सफेद लाइनें होती हैं ऐसे फ्रिंज पैटर्न देखते हैं। इसको इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न बोलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है प्रकाश के साथ। ऐसे ही डायफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन का भी मतलब यह है कोई अगर मार्ग में उसके बाधा आ जाए तो वो बेंड हो जाती है वेव्स उसकी। डिस्पर्शन, डिस्पर्शन का मतलब कि अगर सफेद प्रकाश आपने देखा है साइंस सेंटर में भी, अगर एक प्रिज्म रखें तो सातों रंग अलग अलग हो जाते हैं, डिस्पर्शन हो जाता है, जबकि सब इकट्ठे चल रहे होते हैं यहाँ पे। ऐसे ही सीडी प्लेयर, सीडी डिस्क के ऊपर आप देखो व्हाइट लाइट के नीचे रखो तो आपको अलग अलग रंग दिखाई देंगे, क्योंकि उसके अंदर भी एक ग्रेटिंग पैटर्न होता है जिससे डिफ्रैक्शन हो जाता है। ऐसे ही पोलराइजेशन, पोलराइजेशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंपन कर रही है वो एक लाइन में भी कर सकती है, ऐसे भी गोल घूम सकती है, अलग अलग तरीके से वो कन्फाइन हो सकती है। ऐसे ही स्कैटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जिसका जिसने रमन, सीवी रमन, भारतीय वैज्ञानिक, प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने समझा और उसको समझाया, स्कैटरिंग, रमन स्कैटरिंग। तो प्रकाश जब टकराता है वायुमंडल से या किसी गैस से तो फैलता है, विकिरण होता है। तो ये बहुत सारे फिनोमेना हैं जो हम लोगों ने समझे हैं। लेकिन एक तो है प्रयोग और एक है थ्योरी, मतलब काल्पनिक, मानसिक, कैसे कल्पना की जाए कि क्या हो रहा है, उसको कैसे समझाया जाए। तो विज्ञान की भाषा गणित है, गणित के आधार पर आप अगर सूत्र लिखकर अगर समझा सकें तो, और वो प्रयोगों के साथ सही बैठ सके, तालमेल हो सके, तो हम एक थ्योरी बोलते हैं कि एक ये थ्योरी बनी जो कि काल्पनिक मानसिक कार्य होता है। तो क्वेश्चन ये है कि प्रकाश की ये सारी हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, प्रयोग किए और ये सारी विशेषताएं निकाली, अब क्या कल्पना की जाए कि प्रकाश का स्वरूप कैसा है। तो न्यूटन ने स्टार्ट किया, न्यूटन ने कहा कि ऐसा लगता है कि गेंद की तरह है, प्रकाश के अंदर कण है और वो कण आते हैं शीशे से टकराते हैं और जैसे कोई फास्ट बॉलर बॉल करता है पिच पे टप्पा खा के ये फिर उसी कोण पे चले जाते हैं। और इससे उसने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, ये प्रकाश और ये बॉल, ऐसे कल्पना करके उसने थ्योरी दी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। लेकिन ये थ्योरी फेल हो गई क्योंकि थ्योरी बहुत सारे और जो प्रयोग किए थे उनको नहीं बता पाई, समझा पाई, जैसे इंटरफेरेंस। तो कल्पना न्यूटन के आधार पर ये है कि प्रकाश में कोई कण है और कण का फिर पोजीशन होगी, हम जानते हैं, कोई संवेग होगा और वो कहीं केंद्रित होगा स्पेस के अंदर। लेकिन थॉमस यंग ने ये सिद्ध किया कि नहीं, प्रकाश कण के स्वरूप में नहीं है, प्रकाश तो तरंगों के स्वरूप में है। और अगर तरंग के हिसाब से सोचा जाए तो हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ये सब समझा सकते हैं। तो प्रकाश जो है उसका कंपन हो रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, और एक तरंग तो हमेशा फैली हुई होगी स्पेस में, और तरंग जो है उसका तरंग दैर्य होगा और आवृत्ति होगी। तो अगर हम ऐसे कल्पना करें प्रकाश की, स्वरूप की, तो हम बहुत सारे फिनोमेना एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये सारे फिनोमेना एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो तरंग यहाँ से चली, यहाँ से चली, अगर ये दोनों एक साथ पहुंचती हैं तो हमको और उजाला मिलेगा, और अगर ये ऊपर पहुंची और ये नीचे कंपन करती हुई पहुंची तो ये कैंसिल कर देंगे अपना आयाम और डार्क फ्रिंजेस या फ्रिंज या अंधेरा सा दिखाई देगा। तो इससे आप वो जो लाइनें दिखती हैं जेब्रा
आपके शरीर के ऊपर जैसी, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो वेव थ्योरी द्वारा। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि 1897 के करीब दो ऐसे प्रयोग थे जिनको वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और आप जानते, हम जानते हैं कि अगर एक भी केस ऐसा हो जाए जिसमें कि आप, आपकी थ्योरी उसको समझा ना पाए या उनका तालमेल ना बैठे, तो वो थ्योरी फेल हो जाती है, उसको फिर मॉडिफाई करना पड़ता है, रिफाइन करना पड़ता है। तो ऐसा ही हुआ और फिर लोगों के सामने एक संकट आ गया। लोगों ने सोचा, सोचा तो ये था कि अब सृष्टि को जान चुके हैं, प्रकाश को भी समझ चुके हैं, लेकिन ऐसा मोड़ आया कि सब फेल हो गए। तो एक वैज्ञानिक था मैक्स प्लैंक, उसने फिर काफी सालों, 100-200 सालों के बाद पश्चात, वेव थ्योरी के पश्चात, उसने फिर ऐसा सोचा कि अगर हम कणों के हिसाब से प्रकाश को समझें तो हम उन एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट्स, एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम का था, इतना समय नहीं है कि उसको विस्तृत रूप में समझाया जा सके। दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था जिसको आइंस्टाइन ने समझाया और फिर उसी के, इसी के कारण उसको नोबेल पुरस्कार मिला 1921 में आइंस्टाइन को। तो ये क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि अगर आप एक धातु की प्लेट ले लो, उसके ऊपर अगर लाइट डालो तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक, राइट। यही सोलर सेल जो है हमारे यहाँ लगे हुए हैं हर जगह, उनमें भी यही हो रहा है, लाइट आ रही है सूरज की और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो इसको कैसे समझा सके, तो आइंस्टाइन ने ये कहा कि अगर हम एक एक कण समझें कि इसमें कण आ रहे हैं, बारिश की हो रही है, प्रकाश ऊपर से आ रहा है, ऐसा समझो कि बारिश हो रही है और एक कण एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, तो अगर हम ऐसा, ऐसी कल्पना करें तो हम उसको समझा सकते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग प्रयोग लोगों ने किए हैं और ये दो स्लिट एक्सपेरिमेंट बोला जाता है, स्लिट का मतलब होता है होल, छेद। तो अगर ये दो स्लिट्स हो और अगर एक आदमी गोलियां दाग रहा हो तो हम क्या कल्पना करेंगे कि क्या होगा, होगा ये कि इन दो खिड़कियों के ही थ्रू गोलियां जा सकेंगी। तो अगर हम दीवार पे देखेंगे तो यहीं पे गोलियां मिलेंगी, दो ढेरियां मिलेंगी, एक इधर और एक इधर। लेकिन अगर हम, तो ये ढेरियां ऐसे दिखाई जाएंगी ग्राफ के अंदर, लेकिन अगर हम ऐसे ही अगर हम रेत को नीचे डालें तो दो ढेरियां यहां पर मिलेंगी दो छेदों में से। लेकिन अगर हम पानी के साथ ही एक्सपेरिमेंट करें, तो पानी के साथ एक्सपेरिमेंट करें तो हमको फ्रिंजेस मिलती हैं, या प्रकाश के साथ भी अगर हम करें तो हमको फ्रिंजेस दिखाई देती हैं। और ये वेव थियरी है, वो पार्टिकल थियरी है, ये वेव थियरी है। लेकिन अगर हम उन गोलियों को, जो बंदूक हमने ली हुई है, गोलियां हैं उसके अंदर, अगर उन गोलियों को छोटा कर दें और एक इलेक्ट्रॉन की बंदूक बना लें जिसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा हो, तो क्या होगा। तो लोगों ने यह देखा प्रयोग करके कि फिर इसी प्रकार का ढेरियां इस तरह से बनेंगी, बजाय दो ढेरियां बनने के जो कि होना चाहिए था जब हम मोटी मोटी गोलियां दाग रहे थे। लेकिन जब हम सूक्ष्म कर दें गोलियों को तो ऐसे ये छोटी ढेरी, फिर बड़ी, फिर और बड़ी, सेंटर में सबसे बड़ी। बड़ा विचित्र है ये, क्यों, क्योंकि ये तो ब्लॉक था रास्ता यहां आने का, लेकिन ये सारी इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा यहां पहुंच रहे हैं बीच में। ये एक्सपेरिमेंट लोगों ने हजारों बार किया और यही देखा। इससे क्या तात्पर्य निकलता है, इससे ये तात्पर्य निकलता है कि इलेक्ट्रॉन तरंगों की तरह बिहेव करते हैं। हालांकि लगता तो हमें है कि ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म यहां पे है, लेकिन वो यहां नहीं है, वो काफी जगह पे फैला हुआ है और एक तरंग उसके साथ एसोसिएटेड है। तो ये तो बहुत ही विचित्र चीज हो गई कि जो हम पदार्थ मानते थे कि केंद्रित होगा स्पेस में, वो केंद्रित नहीं है, वो सूक्ष्म लेवल पर, सूक्ष्म लेवल पर ये तो यहाँ पे केंद्रित है, लेकिन इसके साथ जो तरंग एसोसिएटेड है वो बहुत कम है, बहुत कम। लेकिन अगर इसको इलेक्ट्रॉन बना लिया जाए तो मैं पकड़ नहीं सकता, वो इलेक्ट्रॉन मुझे मालूम नहीं किधर है, क्योंकि वो तरंग के रूप में ज्यादा दिखाई देता है। खैर, ये एक्सपेरिमेंट फिर एक्चुअली एक जापानीज ने किया काफी समय पहले 1989 के अंदर, और उसने ये एक्सपेरिमेंट के अंदर ये दिखाया बेसिकली कि अगर एक एक करके इलेक्ट्रॉन डालो
तो आपको वो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं स्क्रीन पर दिखाई देता है, और अगर आप करोड़ों उद्गारो धीरे धीरे करके ये फ्रिंज पैटर्न दिखाई देने लगता है, कहीं पर बहुत ज्यादा पहुंचते हैं, कहीं पर बिल्कुल नहीं पहुंचते इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है बहुत ही विचित्र एक्सपेरिमेंट लोगों ने किया। ये नीचे है 8 इलेक्ट्रॉन, 2000, 6000 इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा आप भेजोगे तो वो पैटर्न और ज्यादा बेटर बनने लगता है। तो फिर से एक थ्योरी लोगों ने डेवलप की फोटोन की, कि प्रकाश का वो कण सबसे छोटा जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वो एक फोटोन है, उसका नाम फोटोन दिया उन्होंने, क्वांटाइज है एक एक करके, और इसको डिवाइड नहीं किया जाता, या तो ये है या नहीं है, समझे। और फोटोन से ही इलेक्ट्रॉन्स भी निकलते हैं। फोटोन अगर गामा रे फोटोन हो शक्तिशाली, तो लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है कि एक फोटोन गायब हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बाहर निकल आता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों मिलते हैं तो गायब हो जाते हैं और एक गामा रे फोटोन निकल आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश से ही पदार्थ भी बन सकता है। तो जब बिग बैंग हुआ था शुरू में, लोग सोचना कोशिश करते हैं कि सृष्टि कैसे स्टार्ट हुई, तो प्रकाश बहुत मात्रा में निकला होगा, विस्फोट जब हुआ ऊष्मा और प्रकाश, और प्रकाश के फिर इस तरह से पेयर प्रोडक्शन से पदार्थ बने हुए होंगे। तो अब क्वेश्चन ये है, प्रकाश को मैं कैसे कल्पना करूं कि प्रकाश कैसा है, इलेक्ट्रॉन की कल्पना कैसे की जाए कि इलेक्ट्रॉन का स्वरूप कैसा है। तो ये हमारी कल्पना के बाहर है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स तो वेव थ्योरी से एक्सप्लेन होते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स फोटोन या पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होते हैं, और हमको एक हमने एक नई थ्योरी डेवलप की जिसे क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, जो इन दोनों स्वरूपों को इंटीग्रेट कर दे करके हर एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने में सक्षम होती है। तो ऐसे हमको कल्पना करना पड़ेगा, पार्टिकल और वेव। तो हम इसको बोलते हैं वेव पैकेट। ऐसा समझो कि एक रुई का गोला है इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठोस कंचे की तरह गोल पत्थर की तरह है। ऐसे ही एक ये चित्र है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चिड़िया का है, ये देखो ये इसकी चोंच है, ये इसकी आंख है, ये इस तरफ देख रही है लेफ्ट की तरफ, लेकिन ऐसा नहीं है, ये चिड़िया नहीं है, ये एक खरगोश का चित्र है, ये इसके कान है, ये आंख है, और ये इस तरफ देख रहा है, राइट साइड की तरफ देख रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, ये एक्चुअली खरगोश और चिड़िया दोनों ही है, बगला भी है, बगला और खरगोश दोनों हैं, लेकिन आपके देखने की दृष्टि पर डिपेंड करता है कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। अगर चिड़िया दिख रही है तो खरगोश गायब हो जाएगा, और अगर खरगोश दिख रहा है तो चिड़िया नहीं दिखाई देगी। इसी तरह से प्रकाश का स्वरूप होगा कि जब आप इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट करो तो आपको तरंग का स्वरूप दिखाई देता है, और अगर आप फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट करो तो कण का स्वरूप दिखाई देता है। तो हो सकता है ये कोई और ही पक्षी या जानवर हो, हमारे देखने के नजरिए पे ये डिपेंड करता है। तो सृष्टि हो सकता है कुछ और ही हो, जैसे अंधों का हाथी था, किसी ने कुछ पूंछ पकड़ी, किसी ने उसका पैर पकड़ा तो उसको वैसा ही दिख तो समझ में आने लगा था तो वो कुछ और। ऐसा ही मनुष्य की ज्ञान इंद्रियां इतनी सीमित हैं कि हमको वास्तविकता का ज्ञान हो ही नहीं सकता अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा। ये तो सब धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि अगर आप अपनी चेतन शक्ति जागृत करो तो आपको वास्तविकता दिखाई देगी, ये ज्ञान इंद्रियां तो बेकार की चीज है, इससे सब भ्रम दिखाई देगा जिसे माया बोलते हैं। तो ये देखो, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चित्र है जो कि वेव पार्टिकल या प्रकाश का स्वरूप बताने का प्रयास कर सकता है। और ऐसे ही लोग बताते हैं व्हाइट और ब्लैक चाइनीज कि ये ताऊ का सिंबल है और दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो बेसिकली प्रकाश के इस समझ से, प्रकाश के बारे में ये समझ हासिल करने से एक बहुत ही बड़े यंत्र का आविष्कार किया गया जिसको लेजर बोलते हैं। लेजर जो है बहुत ही विचित्र स्पेशल सोर्स स्रोत है प्रकाश का। इसके अंदर क्या है, अगर बल्ब आप देखो तो बल्ब के अंदर अलग अलग फोटॉन्स बाहर निकलते हैं लेकिन इनमें कोई तालमेल नहीं होता, लेकिन जब लेजर से लाइट बाहर निकलती है तो इन सारे फोटॉन्स में तालमेल होता है। इसको बोलते हैं कोहरेंट रेडिएशन। ऐसा समझो कि सारे फौज की टुकड़ी की तरह मार्चिंग करते हुए निकलते हैं एक जैसे, मार्च पास की तरह। तो ये इसको बोलते हैं कोहरेंट रेडिएशन। तो ये बहुत जरूरी विशेषता है
तो अगर आप इसमें देखो इस चित्र के अंदर, तो एक एटम के अंदर अलग अलग एनर्जी स्टेट्स होती हैं, उन एनर्जी स्टेट्स के अंदर एटम एक्साइट होता हो सकता है, लेकिन आइंस्टाइन ने यह बताया कि अगर कोई ऊपर एक्साइटेड स्टेट में है और एक प्रकाश आता है तो वो नीचे गिराकर एक फोटोन बाहर निकाल सकता है, जिससे कि बिल्कुल नियंत्रित प्रकाश बाहर निकल सकता है। तो बेसिकली इससे लोगों ने लेजर का आविष्कार किया। इन तीन को नोबेल पुरस्कार मिला लेजर की खोज के लिए 1964 में। इन्होंने तो थ्योरी डेवलप की, लेकिन जिस व्यक्ति ने लेजर का आविष्कार किया वो मेमन, थियोडोर मेमन थे, और उनकी वजह से रूबी लेजर का आविष्कार हुआ। तो अब लेजर जो हैं वो अलग अलग पदार्थों में लोगों ने बनाए हैं, आविष्कार किया है। जैसे रूबी लेजर, लिक्विड द्रवों के अंदर भी लेजर एक्शन हो सकता है, गैसेस के अंदर लेजर एक्शन हो सकता है, और सेमीकंडक्टर पदार्थ होते हैं, समझे, मेटल्स होते हैं या इंसुलेटर्स होते हैं, सुचालक कुचालक और अर्धचालक भी होते हैं। सेमीकंडक्टर लेजर है डायोड जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये देख रहे हो। तो इसकी विशेषताएं बहुत जबरदस्त है। एक विशेषता तो ये है कि बहुत शक्तिशाली और बहुत ज्यादा पावर का, ऊर्जा का लेजर बनाया जा सकता है, समझे, किसी भी चीज को जलाया जा सकता है, भस्म किया जा सकता है। ऐसे ही जो लेजर है इसकी दिशा बहुत जबरदस्त है। अगर मैं टॉर्च लाइट ऑन करता तो बिल्कुल पूरी दीवार में एक मोर का पंख सा बन जाता, लेकिन ये लेजर की लाइट जो है, अगर मैं यहां हाथ करूं और इसका एक गोला बनाऊं, कितना इसका क्षेत्र है, फल है, और वहां देखूं तो बहुत कम अंतर होगा। तो इससे बहुत ज्यादा विशेषताएं हैं लेजर के प्रयोग की। अगर किसी चीज को काटना हो, बिल्कुल फाइन कट करना हो, चाहे वो लोहा हो, चाहे कागज हो, चाहे किसी का सर हो, ब्रेन हो या आंख हो, तो ये डायरेक्शनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि लेजर लाइट एक चाकू की तरह यूज किया जा सकता है, समझे। तो अभी अलग अलग तरीके के लोगों ने लेजर्स दिखाए हैं और अलग अलग क्षमताओं के दिखाए हैं, और ये इंटेंसिटी, मोनोक्रोमेटिसिटी का मतलब एक रंग, बिल्कुल एक रंग, इसके अंदर अगर प्रिज्म आगे रखें तो कोई डिस्पर्शन नहीं होगा, बहुत ही प्योर है ये जो रंग, ये जो शेड निकल रहा है। ऐसे ही कोहरेंस, जो तालमेल और दिशा, डायरेक्शनैलिटी। तो इसकी वजह से तरह तरह के लोगों ने एप्लीकेशंस निकाल ली हैं। एक क्रांति आई हुई है ऑलरेडी हमारे जीवन में, हमारे समाज में, जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स पीछे हटती जा रही है और फोटोनिक्स आगे बढ़ती चली जा रही है, समझे। तो एक तो देखो सूचनाओं को कैसे हैंडल किया जा सकता है। तो सूचनाएं मैंने आपको बताया था, कांच की तारों में फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन आजकल होता है, जिससे कि बहुत जबरदस्त, बहुत ज्यादा मात्रा में सूचनाएं बहुत जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जा सकती हैं। लेजर प्रिंटर्स कंप्यूटर के अंदर अगर आप देखो बहुत ही फाइन प्रिंट निकालते हैं। ऐसे ही लोग प्रकाश से संचालित कंप्यूटर बनाना चाहते हैं, ऑप्टिकल कंप्यूटर जो सिर्फ प्रकाश से चले, बहुत तेज होगा जब अगर वो बनाया जा सके तो। ऐसे ही ऑडियो वीडियो डिस्क जो हम बनाते हैं, जेरोग्राफी फोटोस्टैट मशीन के अंदर भी इसका प्रयोग होता है। रीडिंग राइटिंग कंप्यूटर पे हम डेटा रीड करते हैं, राइट करते हैं, ऑलराइट, ये इंफॉर्मेशन हैंडलिंग है। मेडिसिन के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट रोल लेजर का है, प्रकाश का है, समझे। हैमरेज अगर आपको कंट्रोल करना हो, अगर एंडोस्कोपी करनी हो, अगर पेट के अंदर हमको फोटोग्राफी करनी है, तो फाइबर्स अंदर डालते हैं कांच की और लाइट डालते हैं, लाइट रिफ्लेक्ट होती है, दूसरी फाइबर्स उसको आग बाहर निकालती हैं, और आप पूरा चित्र देख सकते हो कि अंदर कोई ब्लड क्लॉट हो, कोई अल्सर हो, और उसको गर्म करके ठीक भी किया जा सकता है। ऐसे ही चश्मा अगर हटाना हो तो 10 सेकेंड का ऑपरेशन होता है, 10,000 रुपए लगते हैं लगभग, और आपके आंख की जो कद की जो गोलाई है, जिसकी वजह से फोकसिंग खराब हो चुकी है, वो हल्की सी ठीक कर दी जाती है, समझे। कभी भी किसी चीज, किसी का ऑपरेशन अगर करना पड़े तो सबसे ज्यादा खतरा इन्फेक्शन का होता है, क्योंकि कितना भी आप स्टरलाइज कर लें सुइयों को, चाकू को, किसी को भी, और घाव अगर खुला हो तो इन्फेक्शन हो जाता है। तो लेजर से बिना किसी को छुए सर्जरी की जा सकती है, ये इसकी विशेषताएं हैं। तो इन्फेक्शन लेस सर्जरी की जा सकती है, क्योंकि सर्जरी क्या है, किसी चीज को काटना है और फिर सिलना है मोटे मोटे तौर पर। तो आप गर्म करके किस मांस को काट सकते हो और फिर उसको धीरे धीरे सिल भी सकते हो गर्म करके। और अगर ब्रेन जैसी जगह में अगर सर्जरी करनी हो
तो भाई जरा भी हाथ इधर उधर हुआ तो आदमी की जान ही जा सकती है। मान लो खून जम गया कहीं पर, ब्लड क्लॉट हो गया, हाई ब्लड प्रेशर डायबिटीज के पेशेंट के साथ होता है, तो इमीडिएटली आपको वहां से उसको घोलना पड़ता है, समझे। तो ऐसे ऐसे जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज हैं, रेटिना झटका लगे अगर एक्सीडेंट के अंदर तो रेटिना का पर्दा बाहर आ जाता है, तो पीछे से वो सूखने लगता है क्योंकि वो हट गया, टूट गया, उसको वेल्ड करके दोबारा चिपकाना पड़ता है। तो पहले तो लोग आंख खोला करते थे और हाथ से करते थे, अब तो दूर से ही बैठकर लेजर की लाइट द्वारा उसकी वेल्डिंग की जा सकती है पर्दे की, आंख के, जो कि इतना सूक्ष्म होता है। ऐसे ही डेंटिस्ट्री, दांत भी अगर काटना हो तो आजकल लेजर से काट रहे हैं लोग, बजाय वो ड्रिलिंग मशीन के साथ काटने के, जो कि बहुत ही दर्दनाक होता था। ऐसे ही किडनी के स्टोन अगर हो आपके, समझे, कैंसर ट्रीटमेंट हो, तो अलग अलग प्रकाश का अलग अलग प्रभाव पड़ता है कैंसर के सेल्स के ऊपर। ऐसे ही इंडस्ट्री के अंदर काटना, ड्रिलिंग, वेल्डिंग करनी, समझे, छोटे छोटे साइजेस में किसी चीज को फोटोलिथोग्राफी बांटना, ये सारी चीजें लेजर द्वारा की जा सकती हैं। ऐसे ही इंस्पेक्शन अगर करना, क्वालिटी कंट्रोल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिंगरप्रिंटिंग जैसे फोरेंसिक्स है, समझे, और अगर आपको मैच करने हैं फिंगरप्रिंट तो लेजर का प्रयोग करके बहुत सूक्ष्म स्तर पर आप इसको नाप सकते हो। अगर मुझे दूरियां नापनी है, चांद से पृथ्वी तक की दूरी बहुत एक्यूरेटली लेजर द्वारा लोगों ने नापी है, सेंटीमीटर की एक्यूरेसी से, क्योंकि प्रकाश गया और वापस टकरा के आता है तो भी इतना नहीं फैलता कि आप उसको संभाल ना सको। ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। प्रदूषण अगर आपको नापना है कि वायुमंडल में प्रदूषण कितना है, तो लेजर लाइट छोड़ के रिफ्लेक्टेड लाइट कैप्चर करके पता लगाया जा सकता है सूक्ष्म स्तर पर कि कितना इंफेक्शन है किसी के खून में या किसी चीज पदार्थ के अंदर, या प्रदूषण कितना है। ऐसे ही मिलिट्री एप्लीकेशन जबरदस्त है भाई। अगर किसी ने न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर दी, अब आपने देखा कि एक मिसाइल आ रही है, आपने यहाँ से हवाई जहाज वाले पायलट को कहा भाई उड़ो और उसको वहां पे रोको या तोड़ो या मारो या गोली से उड़ाओ या टैंक से उड़ाओ, लेकिन अगर मेरे पास लेजर्स हैं तो लेजर से मैं सिर्फ डायरेक्ट करके उसको भस्म कर सकता हूँ हवा में ही। तो ऐसे ही अमेरिका का एक वो था, प्लान था, स्ट्रैटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव। उन्होंने सोचा कि हम अपने देश के चारों तरफ सैटेलाइट पे, उपग्रहों पर बड़े बड़े शक्तिशाली लेजर्स लगा देंगे ताकि हम पे कोई आक्रमण ना कर सके। आजकल कोई जाके बम फेंकता नहीं है, मिसाइल ही लॉन्च कर देते हैं दूर से। तो एंटी सैटेलाइट वेपन, किसी का उपग्रह ही तोड़ दो तो उसकी सारा संचारण क्षमता ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि युद्ध के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है सूचनाएं जो जा रही है फौजियों के बीच में, उसको भंग कर दो किसी तरीके से, या तो गफलत फैला दो या उनके सिस्टम ही भंग कर दो। तो एंटी सैटेलाइट वेपन्स के लिए, एंटी सेंसर पर्सोनल्स के लिए, अब जैसे ये तो दिख रही है मुझे प्रकाश, अगर ऐसा लेजर बना दिया जाए जो अदृश्य प्रकाश निकाल रहा हो शक्तिशाली, तो मुझे गोली मारने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो यू लेजर टैंक के ऊपर ऐसे ही कर दूं, या तो वो जल जाएगा या उसकी अंधा हो जाएगा पायलट या हेलीकॉप्टर में जो उड़ा रहा है उसको। तो लोगों ने बैन किया हुआ है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, समझे। तो लेजर से आप एंटी पर्सोनल वेपन्स, रेंज फाइंडिंग, लिडार बोलते हैं, जैसे रिडार होता है ऐसे ही लिडार होता है, समझे, टारगेट डेजिग्नेशन, आपने देखा होगा अंग्रेजी फिल्म जो आती है उसके अंदर बंदूक के साथ लेजर लगा होता है, तो लेजर लाइट सीधी जाती है टारगेट पे, अगर लॉक हो गई तो उसी हिसाब से वो गोली उसी डायरेक्शन में फायर होगी। ऐसे ही प्लेन्स के अंदर, मॉडर्न जितने भी हैं, सबमरीन्स हैं, समझे, पनडुब्बियां हैं, अगर वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएं, तो कौन है जो उसको वापस अपने मार्ग पे ले आए। जैसे न्यूक्लियर मिसाइल अगर आपने लॉन्च की और वायुमंडल में इतना प्रेशर और टेम्परेचर वेरिएशन होता है, टर्बुलेंस, कि वो अपने मार्ग से विचलित हो जाए, समझे, आपने एक बम फेंका और रस्ते में तूफान आ गया और वो कहीं और ले गया उसको, तो कैसे उसको वापस लाया जाएगा। तो गाइडेड मिसाइल्स बोलते हैं जिसके अंदर ऐसे सेंसर्स होते हैं जो उनको वापस अपने मार्ग पर लाए। ऐसे ही सबमरीन में, हवाई जहाजों में और कारों तक में नेविगेशनल एड्स के अंदर लेजर सेंसर्स यूज हो रहे हैं। और बहुत सारे इसके एप्लीकेशन हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन किया जा सकता है, किसी चीज को गर्म करा जा सकता है, किसी चीज को ठंडा किया जा सकता है, समझे, लेजर्स द्वारा। और नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो फोटोनिक, बायो फोटोनिक, कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग आपने सुना, इन ये सब लेजर्स के आविष्कार के ऊपर आधारित हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं, जैसे ये सर्जरी है आंख की, ये दांत की, थ्रोट कैंसर ट्रीट कर रहे हैं लेजर लाइट से,
समझे, ये मशीनिंग है, अब ये ऐसे रोटर ब्लेड बनाने हैं, कौन काटेगा इसको फैक्ट्री के अंदर, बहुत महीन करना है। तो ये बड़े बड़े ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, कटिंग, ड्रिलिंग, वेल्डिंग, लाइट के साथ ये लेजर लाइट शोज होते हैं, एंटरटेनमेंट में तो बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन है, खूबसूरत ये बनाए जा सकते हैं। होलोग्राफी, थ्री डायमेंशनल फोटोग्राफी, समझे, तो ये देखो होलोग्राफी से ये लोग मीटिंग्स कर रहे हैं, ये एक डायनासोर बना दिया उन्होंने पानी के फाउंटेन के ऊपर, थ्री डायमेंशनल। ऐसे ही सीडी के अंदर रिकॉर्डिंग लेजर से होती है, समझे, ये फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन ऑप्टिकल फाइबर से होता है। आप किसी भी स्टोर में चले जाएं, बड़े स्टोर के अंदर, तो उसके अंदर बारकोड रीडिंग होती है, वो सामान लेता जाएगा और लेजर की लाइट डालता जाएगा, सारा सिस्टम में उसके आता जाएगा, कितने दाम का था, कितना उसकी इन्वेंट्री में कम हो गया, ज्यादा हो गया, समझे, सारी डिटेल्स उसके अंदर आ जाएंगी। ये टेलरिंग के अंदर भी, कपड़े अगर काटने हो तो लोग लेजर्स का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स में, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में, बायोलॉजिकल स्टडीज के अंदर, ये छोटे छोटे व्हील्स अगर बनाने हो, नैनो मशीन, जायरोस्कोप, ऑलराइट, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह ही फोटोनिक्स भी जो है वो बहुत अग्रसर है और उसका बहुत क्या कहते हैं प्रयोग हो रहे हैं। इस वजह से इसके अंदर इस क्षेत्र को में पूरी क्रांति आई हुई है और हमारे हर जीवन के हर पहलू में लेजर का, लाइट का उपयोग हो रहा है। यहां तक कि लोग ये कहते हैं कि लेजर इज अ सॉल्यूशन लुकिंग फॉर अ प्रॉब्लम, एक ऐसा उत्तर जो प्रश्न ढूंढ रहा है। आप प्रश्न बताओ, प्रॉब्लम बताओ, उसका सॉल्यूशन लेजर है। तो प्रकाश की बहुत विशेषताएं हैं, एडवांटेजेस हैं। लेजर एक बहुत ही यूनिक स्रोत है, कोई ऐसा स्रोत नहीं है जिसमें ये चारों गुण इकट्ठे हों। ये कोई शक्तिशाली नहीं है, हैलोजन लैम्प बहुत ज्यादा नहीं, लेजर तो बहुत ज्यादा, टेरा पेटावॉट लाइट बाहर निकाल सकते हैं। तो फ्यूचर के अंदर विज्ञान और तकनीकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में फोटोनिक्स का जो ये एरिया है, एप्लीकेशन का, इसका बहुत उपयोग होगा। और अगर हम इसके बारे में अपनी जानकारी और नॉलेज बढ़ाएं तो इसमें फ्यूचर में जाकर बहुत फायदा होगा। तो द फ्यूचर ऑफ फोटोनिक्स इज वेरी ब्राइट। ओके, तो इसके साथ ही हम यहीं समाप्त करते हैं।